ठंडी हवा सितार बजा रही थी। अल्लानूर गांव के झोंपड़ों से उठता धुआं मातम का गीत गा रहा था। हवा में गंध थी तो जिंदगी की राख की, पर हर किसी के चेहरे पर एक काली स्याही छाई थी। आर सुरेश, गांव का जिम ट्रेनर, जिसे सब हंसता हुआ ही जानते थे, उसकी जगह आज सिर्फ जलकर राख रह गई थी। जिसे दिल्ली बाबू कहा जाता था, वही शख्स जो कुछ हफ्ते पहले अचानक गायब हो गया था, वो सुरेश के झोंपड़े में जलते पाया गया था। गांव में शोक की लहर तो चली थी, पर उस लहर में कुछ चीज अटकी हुई थी, सबको अशांत कर रही थी। सुरेश की माँ तो विलाप कर रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू के साथ एक अनजानी घबराहट थी। जब लाश दिखाई गई, तो ऐसा लगा जैसे वो जानती थी सब कुछ, पर खुलकर कुछ कह नहीं सकती। इसी उबाल के बीच शहर के कोने में एन्नोर थाने में एक धूल खाती फाइल खोली गई। दिल्ली बाबू की गुमशुदगी की रिपोर्ट, दोनों मामले जुड़े हुए थे। एक पत्थर पानी में फेंका गया था और अब हवा में सवालों का तूफान उठ रहा था। जांच आगे बढ़ने लगी, धागे सुलझने लगे। 16 दिसंबर की वो रात जब दिल्ली बाबू आखिरी बार देखा गया था, वही रात, वही अल्लानूर गांव, वही सुरेश का झोंपड़ा। एक इत्तेफाक इतना बड़ा नहीं हो सकता था, पर हकीकत में दोनों दोस्त थे, इतने गरीब कि दोनों एक ही रात, एक ही जगह। शक ने अपना रूप खोलना शुरू कर दिया था। फिर सबूत मिले, मोबाइल फोन के रिकॉर्ड्स, गवाहों के बयान, वो धुआं और राख जो अपने पीछे कहानी छोड़ गया था। सच्चाई धीरे धीरे बिल्लौर की तरह दिखाई देने लगी। हत्या, नृशंस और सुनियोजित, वो सुरेश नहीं, खुद अपनी मौत का नाटक रच रहा था। 1 करोड़ के इंश्योरेंस के लालच में, और उसके पीछे 2 चेहरे, उसके ही दोस्त हरि कृष्णन और कीर्ति राजन। 16 दिसंबर की रात शराब के नशे में दिल्ली बाबू का गला घोंट दिया गया, मगर लाश को मिटाना था, पहचान को खत्म करना था, इसलिए उसे सुरेश के झोंपड़े ले जाया गया, जला दिया गया। पर जली तो सिर्फ लाश थी, सवाल तो गांव की हवा में ही लटके रहे, पुलिस को रास्ता दिखाते रहे। दोस्ती की आड़ में छिपे राक्षस का पर्दाफाश हो गया था। गांव अब और भी सुनसान लगता था। हर झोंपड़े से उठता धुआं सवालों का जवाब मांग रहा था। सुरेश की माँ का दुख अब एक जहर में बदल गया था, एक डर में छिप गया था। वो अपने बेटे को नहीं रो रही थी, वो उस सच को रो रही थी जिसे वो जानती थी, बोल नहीं सकती थी। कितने अंधेरे साए तो दोस्ती की आग में जल गए होंगे बिना किसी को पता चले। पुलिस ने तीनों आरोपियों को दबोच लिया, अब न्याय का इंतजार था, इंसाफ की आस। पर ये कहानी सिर्फ सजा नहीं बताती, ये जिंदगी के धोखे चेहरे दिखाती है। ये बताती है कि लालच के अंधकार में इंसान कितना गिर सकता है। ये याद दिलाती है कि दोस्ती का रिश्ता कितना पवित्र होना चाहिए, कितनी कद्र करनी चाहिए। ये कहानी जलकर राख बने एक गांव की है, पर ये हर गांव, हर शहर को सुलगाती है, सावधान करती है। उम्मीद है, अब उम्मीद है ऐसी घटनाएं भविष्य में कभी न दोहराई जाएं। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ अल्लानूर गांव की कहानी है? क्या लालच का राक्षस सिर्फ वहीं छिपा है? कहीं ना कहीं हर शहर, हर गांव के अंधेरे कोनों में उसकी काली परछाई तो जरूर घूमती होगी। शायद हमें खुद से पूछने की जरूरत है, क्या दोस्ती को हम वाकई समझते हैं? क्या पैसा, लालच और महत्वाकांक्षा के तूफान में ये नाजुक रिश्ता टूट नहीं जाएगा? क्या किसी का भरोसा 1 करोड़ के इंश्योरेंस से ज्यादा जरूरी नहीं है? इस सवाल का जवाब तलाशना सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये जरूरी है कि हम दोस्ती के असली मायने समझें, इसे पवित्र रखें, इसका कदर करें, तभी इस अंधेरे में उम्मीद का एक दीप जलाया जा सकता है।
अल्लानूर की राख से उठता धुआं भले ही मातम सुना रहा हो, पर कहीं हवा में एक फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही है। एक आह्वान, एक सवाल, एक चुनौती, क्या हम इंसानियत की मशाल जला पाएंगे? क्या हम भरोसे और प्यार की जमीन पर एक बेहतर दुनिया बना पाएंगे? ये सवाल अब सिर्फ अल्लानूर का नहीं, हर किसी का है। शायद यही असली कहानी है, जली हुई लाशों और बिखरे सवालों से परे। यही कहानी हमें सोचने के लिए मजबूर करती है, जगाती है, बदलने की प्रेरणा देती है, और उम्मीद है हम इस कहानी का अंत खुद लिखेंगे, एक उम्मीद भरे पन्ने पर, इंसानियत की स्याही से, दोस्ती के रंगों से। अब ये कहानी खत्म होती है, पर सवाल बचे रहते हैं, सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, बेहतर इंसान बनने की ताकत देते हैं। उम्मीद है इन सवालों के जवाब खोजते हुए हम एक ऐसी दुनिया बनाएं, जहां अल्लानूर की त्रासदी सिर्फ एक कहानी रह जाए, हकीकत न बन पाए।